Assalamualaikum, this is me, Namar Riaz. Welcome back to another brand new vlog. जी गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैं इस टाइम मौजूद हूँ मक्का में, और आज मैं जा रहा हूँ मदीना के लिए. अभी मक्का से निकल रहा हूँ. मक्का में तकरीबन अभी 7:30 हुए हैं, और काफ़ी टाइम के बाद ये मेरा मदीना का ट्रिप है. लास्ट ट्रिप हमने किया था दोस्तों के साथ तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले, तो ये काफ़ी लंबे गैप के बाद दोबारा ट्रिप कर रहे हैं मदीना का. जी तो अभी हम मक्का से तकरीबन निकल चुके हैं, और ये एक जैसे ही मक्का एग्ज़िट करें एक फ्यूल स्टेशन आता है. यहाँ पे अभी गाड़ी में फ्यूल डलवाएंगे और फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ निकलेंगे हम. اختر هذا خربان لو جی یہ ان کی مشین ہی خراب ہے, یہ کام نہیں کر رہی. ٹپ 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 بیچ تو ٹپ. اب اگلی گاڑی کا ویٹ کرتے ہیں, وہ نکلتی ہے تو پھر آگے جاتے ہیں. तो इस टाइम हम आंधी हुए हैं मदीना के लिए. मक्का से मदीना जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है, और अभी मैं तकरीबन 100 किलोमीटर जो है वो मैं तय कर चुका हूँ. और अभी यहाँ से हाईवे पे जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 140 की है, और जो हम पीछे सफ़र करके आए हैं वहाँ पे 120 थी, और अभी आगे यहाँ से मदीना तक जो है वो 140 की स्पीड लिमिट है.
वहाँ पे जाके फिर आपको मिलेंगे। वेलकम बैक जी। इस टाइम हम अपना तकरीबन हाफ सफ़र जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस टाइम मैं सास्को पेट्रोल स्टेशन पे मौजूद हूँ, ये रेस्ट एरिया भी है। और यहाँ पे अमूमन मैं जब भी मक्का मदीना ट्रैवल करता हूँ तो यहाँ पे मैं लाजमी स्टे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जनाब ये सामने वाशरूम्स है, ये मस्जिद है और बाकी ये पेट्रोल स्टेशन है। ठीक है, और बाकी कुछ खाने पीने के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए भी कूदू भी है यहाँ पे, सबवे भी है, अलबेग वालों की यहाँ पे ब्रांच है। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, तकरीबन 10-15 मिनट की यहाँ पे ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम अपना बाकी जो सफ़र है वो कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा तकरीबन अभी 150 किलोमीटर और मज़ीद बाकी है, तो इंशाल्लाह हम विद इन 1 आवर और 30 मिनट, राउंड अबाउट 1.5 घंटे में हम जो है ना वो पहुँच जाएंगे मदीना इंशाल्लाह। और अभी चलते हैं आगे, कुछ खाने पीने के लिए कुछ लेते हैं। ले जनाब, यहाँ पे सबसे पहले आपको कुदू मिल जाएगा जनाब, साथ में ये एक रेस्टोरेंट भी है। ठीक है, कैफेटेरिया, साथ में सबवे भी है। आप जो आपकी तमन्ना, आपका दिल चाहे, आप जनाब एंजॉय कर सकते हैं। और ये साथ में एक सुपरमार्केट है सास्को वालों की। ठीक है जी, आगे जनाब भास्कर रिबिन्स वाले भी हैं, आइसक्रीम वाले। आगे जनाब आ जाता है जी बर्गर किंग। ओके, लेकिन हम जाएंगे जनाब अलबेग पे, क्योंकि जहाँ पे अलबेग हो तो बंदा अलबेग को नहीं छोड़ सकता। तो ये जी सऊदीया का मोस्ट फेवरेट फूड चैन जनाब, इस पर भी हम रुके हैं, देखते हैं अंदर जाके इसके पास क्या क्या है, तो फिर आपको भी दिखा दे। अब अलबेग वालों के पास चिकन जो है वो ब्रोस्ट तो नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ नगट्स ही अवेलेबल होते हैं, तो हमने जनाब ये नगट्स का ऑर्डर दिया। अपना ऑर्डर लेंगे और फिर जाएंगे और फिर इंशाल्लाह गाड़ी में। शुक्रिया ये जी, हमारे नगट्स आ गए। Nuggets. هاكر 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 يا جماعة لو انتبهتوا لحركاته هاكر यहाँ पे इस ब्रांच पे जो है जनाब आपको ब्रोस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन चिकन चिकन जो है नगेट्स है वो आपको मिल जाएंगे। नगेट्स हमने ले लिए और अभी हम देखते हैं कि ये अगर यहाँ पे अच्छी जगह मिलती है। फाइनली हम मदीना पहुंच चुके हैं। इस टाइम हम मदीना का जो मिकात है, मिकात के पास से गुजर रहे हैं। आपको मस्जिद मिकात भी दिखाते हैं, जहाँ से अगर मदीना से जब जाएं मक्का उम्रे के लिए तो
मिकात से जो है आप अहराम बांध के नियत करके फिर आप निकलते हैं मक्का उमरे के लिए। वो सामने जनाब मस्जिद मिकात है, वो आपको मीनार नज़र आ रहा होगा, ये मिकात है जी मदीने का। यहाँ से जो लोग उमरे के लिए जाते हैं मक्का में, और वो यहाँ से अहराम बांध की नियत करके जाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं हरम की तरफ, और रास्ते में अभी पहले आएगी मस्जिद कुबा जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, हम वहाँ पे पहले जाएंगे। वहाँ पे अभी जहर की नमाज़ भी अदा करेंगे और वहाँ पे नवाफल अदा करके फिर उसके बाद हम जाएंगे हरम के लिए। अभी आपको मस्जिद कुबा जाके मिलते हैं। जनाब ये देखें आप जी मदीना की खूबसूरत रोड्स, मदीना की खूबसूरत नज़ारे, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वेदर है यहाँ का। बनिस्बत मक्का से जो है ये मदीना का वेदर अच्छा होता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मदीना पहुँचा है, और अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ मस्जिद कुबा के बाहर। मस्जिद कुबा आए हैं, सबसे पहले मस्जिद कुबा जनाब जाएंगे, जोर की नमाज़ पढ़ेंगे। जोर की नमाज़ पढ़ने के बाद जनाब नवाफल अदा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जनाब मस्जिद कुबा में दो रकात नवाफल अदा करें तो उम्रे के बराबर उसका सवाब है, और अभी हमने जोर की नमाज़ भी पढ़नी है। और अभी इस टाइम मस्जिद के बाहर हूँ, अभी मस्जिद के अंदर भी जाएँगे, आपको अंदर से भी मस्जिद दिखाएँगे। पहले आपको बाहर से दिखा दूँ, ये जनाब मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ। ये सारा जनाब ओपन एरिया है, पार्किंग इसकी बैक साइड पर है और कुछ पार्किंग जो है वो इस साइड पे है। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए आपको बता दूँ कि जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं पार्किंग का इशू होता है, क्योंकि पहले यहाँ पे ये सामने वाली साइड पे जो है ना ओपन था, यहाँ पे पार्किंग आप कर सकते थे। अभी इन्होंने ये सारा क्लोज़ कर दिया। अभी आप आते हैं, अगर मक्का से आ रहे हैं ठीक है, आप मस्जिद कुबा डायरेक्ट आते हैं तो आपको मस्जिद कुबा की तरफ जब आएँगे, आपको ये एंड पे आएँगे तो यहाँ पर यू टर्न लेना पड़ेगा। यू टर्न ले के आप जैसे ही वापस जाएँगे, आपको पहला काट आगे से लेके ये जो आपको सामने खजूरों का बाग नज़र आ रहा है, इससे राइट लेके अंदर आ जाना है ठीक है। इसके बिल्कुल बैक साइड पे आएंगे तो आगे ये जनाब ये सामने आपको जो ये कुछ शॉप्स नज़र आ रही हैं, इनकी बैक साइड पे पार्किंग है, खुली पार्किंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग। आप वहाँ पर गाड़ी पार करके तो जनाब बड़े सुकून से जनाब मस्जिद जा सकते हैं। आप जितना टाइम रुकना चाहें यहाँ पर रुक सकते हैं, गाड़ी पार करके कोई इशू नहीं है। ये जनाब सामने सारी फूड स्ट्रीट है, इस टाइम बंद है, ये असर के बाद ओपन होती है ठीक है। अभी धूप भी थोड़ी काफ़ी तेज़ है, और बाकी जनाब ये सामने सारा जो है वो फूड स्ट्रीट है। कुछ ये एरिया मस्जिद का, ये बाकी जनाब सारा इस टाइम मौजूद है मस्जिद कुबा के अंदर। आपको दिखाते हैं अंदर से मस्जिद के मनाजर जनाब। ये मैं इस टाइम मस्जिद के सहन में खड़ा हूँ ठीक है जी। ये मस्जिद का सहन है, और इसके ऊपर इस टाइम धूप से बचाव के लिए ये कुछ पर्दे वगैरह लगाए गए हैं। और इस साइड पे जनाब आप इंटर होते हैं जब गेट से, ये पार्किंग वाली साइड से अगर आप इंटर होते हैं, तो अगर आप इंटर होते हैं दूसरी साइड से जो मस्जिद की राइट साइड है, जहाँ से जिस साइड पे मस्जिद के वाशरूम है। और ये सामने जनाब पानी आब जमजम के लिए वाटर टैप लगाए गए हैं। पहले यहाँ पे वाटर कूलर होते थे, लेकिन इनका अभी ये इन्होंने चेंजिंग की है, अच्छा इनिशिएटिव है। अभी इन्होंने वाटर टैप लगा दी है जमजम के पानी के, आप यहाँ से जमजम पी सकते हैं। और जनाब ये मस्जिद का जो है वो हाल है ठीक है जी। और बाकी जो मेन हाल है मस्जिद का वो अंदर है, आपको अंदर चल के दिखाते हैं। और ये जनाब इस्लाम की जो है वो पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा। यहाँ पे अगर आप दो रिकात नवाफल अदा करते हैं तो आपको उम्रे के बराबर सवाब मिलता है ठीक है जी। ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है इसी, और इसके जो मेन चार गेट हैं ठीक है, राइट लेफ़्ट दोनों साइड पर दो दो गेट हैं। बाकी अभी अंदर चलते हैं, आपको अंदर से मस्जिद दिखाते हैं। ये जनाब मस्जिद का मेन हॉल है ठीक है जी। बड़ा खूबसूरत यहाँ पे इसको डेकोरेट किया गया, बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। ये मस्जिद का मेन हॉल है जनाब। ये जनाब मस्जिद कुबा का कुछ बाहर से व्यू है ठीक है। इस टाइम धूप काफ़ी तेज़ है, और
ये सारा बाहर का सहन है, इसको काफ़ी चेंज किया गया। पहले यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं थी होती, ओपन था, पार्किंग थी, गाड़ियाँ यहाँ तक आती थी। अभी इसको पूरा जना बंद कर दिया गया गाड़ियों के लिए, और ये अभी सारा शहर में कन्वर्ट हो गया, पौधे वगैरह लगाए गए हैं। और ये जनाब मस्जिद खूबसूरत, ठीक है जी, लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं। बाकी ये सारा वेलकम बैक। अभी हम आ गए हैं मस्जिद क़िबलतैन, ये भी मदीना में मस्जिद कुबा पहले गए थे, मस्जिद कुबा में नमाज अदा की, नवाफल अदा की। अभी आ गए मस्जिद क़िबलतैन, हमने सोचा कि पहले ज़्यारतें जो है वो कंप्लीट कर लें, फिर डायरेक्ट हम हरम जाएंगे और कोशिश करेंगे हम मगरब और ईशा की नमाज़ जो है वो हरम अदा करें, और कल जुमा भी इंशाल्लाह हम हरम अदा करेंगे। और अभी मैं मस्जिद क़िबलतैन के बाहर खड़ा हूँ, अभी आपको दिखाते हैं मस्जिद क़िबलतैन, अंदर भी जाके दिखाते हैं जहाँ पर क़िबला का रुख चेंज हुआ था। पहले जो है वो मुसलमान जो है वो बैतुल मक़दस जो फ़लस्तीन में है उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, फिर नमाज के दौरान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई, फिर जो है वो क़िबला चेंज कर लिया गया नमाज के दौरान ही, हुक्म हुआ नमाज में क़िबला चेंज करने का, क़िबला चेंज किया गया, फिर हरम शरीफ मक्का की तरफ जो है वो नमाज अदा की गई। ये जनाब सामने मस्जिद क़िबलतैन है, अभी अंदर भी चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये इसका सामने पार्किंग एरिया है, ठीक है, और ये देख लें जी माशाल्लाह कबूतर। अभी अंदर चलते हैं, आपको अंदर चल के दिखाते हैं जी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मस्जिद क़िबलतैन के अंदर, अभी आपको दिखाते हैं कि मुसलमानों का जो पहला क़िबला था फ़लस्तीन बैतुल मक़द्दस जिसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती थी वो था ये इस साइड पे, ठीक है। ये इसका सिंबल अभी भी ऊपर मौजूद है, ठीक है। बाद में नबी सल्लम पर वही नाज़िल हुई तो नमाज के दौरान ही जो है वो रुख तब्दील करके हरम शरीफ मक्का की तरफ कर दिया गया, ठीक है। ये सामने जो है मिंबर और साथ में मेहराब है, ठीक है, मस्जिद क़िबलतैन का। और पहले जो है वो टोटली अपोजिट इस साइड पे इस तरफ मुँह करके नमाज होती थी, बाद में जब क़िबला चेंज हुआ टोटली अपोजिट हरम शरीफ मक्का की तरफ। तो ये जी मस्जिद क़िबलतैन का अंदरूनी मनाजर है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। अभी 3 बजे का टाइम है और रश इतना खास नहीं है, लेकिन ये है कि लोग आते जाते रहते हैं ज़ियारत के लिए जी। तो अभी आपको ये दिखाई थी मस्जिद क़िबलतैन, अभी इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अभी जो इसका पार्ट टू है, जो हमारा मदीना का ट्रिप है इसका जो पार्ट टू है वो इसके बाद आएगा इंशाल्लाह, वो भी देखिएगा। जो अभी बाकी हमारी ज़्यारतें रह गई हैं, मस्जिद नबी अभी जाना है, कल जुमा अदा करना है, तो वो बाकी आप दूसरे व्लॉग में देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।